अस्सलामु अलैकुम। कोफ्ते का सालन तो आपने बहुत बार बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन एक बार हैदराबादी स्टाइल शाही कोफ्ते का होरमा बना के देखिए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार रमज़ान रेसिपी शेयर करती रहूँगी, इसीलिए चैनल कुक विद फन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें और भी सेलेक्ट कर लें। हैदराबादी शाही कोफ्ते का खोरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर का जार ले लें और हमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के पीसना है, तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें डालिए आधा किलो मटन खीमा, थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दें, 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं या रेड चिली फ्लेक्स, आपकी मर्जी। थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 2 टीस्पून भर के फेम मैजिक मसाला। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये ना हो तो आप नॉर्मल गर्म मसाला पाउडर डाल सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून रोस्टेड चने का पाउडर यानी चिकपी पाउडर, ये ना हो तो चने का आटा यानी बेसन भी डाल सकते हैं आप, रोस्टेड बेसन। नमक डाल दें, सभी इंग्रेडिएंट्स पीस लें। पिज्जा व कोफ्ता मसाला हमारा तैयार है, थोड़ा सा तेल मिक्स कर दें इसमें ताकि कोफ्ते बनाने में आसानी हो जाए। इस तरह से इसके पोर्शंस लेते जाइए और कोफ्ते बनाते जाइए, यानी कोफ्ते का शेप दे दें। अच्छे से पहले प्रेस कर लें, इसके बाद इसे राउंड शेप दे दें, देख लें इस तरह से क्रैक्स आने ना दें, अगर क्रैक्स दिखें तो क्लोज कर दें इस तरह से। ऐसे ही करके सभी कोफ्ते तैयार कर लें। कोफ्ते हमारे फ्राई करने के लिए तैयार हैं। चलिए तेल गरम कर लेते हैं, हाई फ्लेम पर तेल अच्छे से गरम कर लें। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, फ्लेम को मीडियम पे रख के कोफ्ते डालते जाइए और फ्राई करते जाइए। बस हमें 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम ग्रेवी में पकाने वाले हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए इतना काफी है, इन्हें प्लेट में निकाल के रख लें। कोफ्ता का दूसरा बैच भी फ्राई कर लें। कोफ्ते तो हमारे फ्राई होके तैयार हैं। चलिए अब हम कोरमे की तैयारी शुरू कर लेते हैं। कोरमा बनाने के लिए हमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स भून के पीसना है, इसके लिए सबसे पहले एक पैन गरम कर लें और इसमें डालिए खोपरा यानी सूखा नारियल, ये 30 ग्राम है यानी आधी बट्टी होगी, 10 बादाम, 3 टीस्पून खसखस, ये ना हो तो स्किप कर दें, मुट्ठी भर मूंगफली यानी पीनट ग्राउंड नट, 3 लौंग, 2 इलायची, दालचीनी के 3 छोटे पीसेस, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, शाहजीरा ना हो तो स्किप कर दें, ये भी डाल दें। मीडियम फ्लेम पे भून लें ये इंग्रेडिएंट्स, 2 से 3 मिनट के लिए भूनिए। भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल लें। इसी पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लें, 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज डाल के फ्राई कर लें। प्याज इतना काफी है, फ्लेम बंद कर दें। इन सभी को अच्छे से पीस लें, बादाम, खोपरा, मूंगफली, प्याज, इन्हें हम 5 टीस्पून दही के साथ बारीक पेस्ट की तरह पीस लेते हैं। पिसा हुआ कोरमे का मसाला पेस्ट तैयार है, कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक वेजल ले लें और इसमें डालिए 4 से 5 टेबलस्पून भर के तेल, अच्छे से गरम कर लें हाई फ्लेम पर।
तेल गर्म होने के बाद इसमें डालिए दो इलायची, चार लौंग, दालचीनी के छोटे तीन पीसेस, आधा टी स्पून शाहजीरा, ना हो तो स्किप कर दें या जीरा डाल दें। तेल गर्म हो चुका है, स्पाइसेस डाल दें, छोटे साइज की प्याज डाल दें, रंग बदलने तक फ्राई कर लें इसे हाई फ्लेम पर। 3-4 टीस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून लें। आधा टीस्पून हल्दी डाल दें, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के भून लें। अच्छे से भूनने के बाद पिसा हुआ मसाला पेस्ट डाल दें। इसे हमें अब बहुत अच्छे से भूनना है मसालों की कच्ची बुझाने तक। फ्लेम को पहले हाई पे रखिए 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे भूनिए, वरना ये मसाले पकड़ लेंगे नीचे से। इस तरह से साइड्स में थोड़ा सा तेल नज़र आने तक हमें भूनना है, और इसका कलर भी देखिए डार्क हो गया है, इतना काफ़ी है। इसमें पानी डाल दें, पानी हम 2 ग्लास डालेंगे क्योंकि इसी में हमें फिर से कोफ्तों को गलाना है। नमक डाल दें। जैसे ये इस तरह से बॉईल होना स्टार्ट हो जाए इसमें कोफ्ते डाल दें। कोफ्ते डालने के बाद धीरे से एक बार मिक्स कर दें। अब फ्लेम को लो पे रख के कोफ्तों को गलने दें इस ग्रेवी में। इसके लिए 10-15 मिनट लग सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर या फेम मैजिक मसाला डाल दें 1 टीस्पून, थोड़े से धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, 3 हरी मिर्च डाल दें, मिक्स कर दें। अगर आपको पानी कम लगा तो और थोड़ा सा डाल भी सकते हैं। गर्मा गर्म मज़ेदार कोफ्ते का कोरमा तो हमारा तैयार है। कोफ्ते भी देखिए, इनका साइज़ देखिए कितने बड़े हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो कोरमा है बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और सॉफ्ट भी हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे, देख सकते हैं आप, एक कोफ्ता भी नहीं टूटा है। ये मेथड फॉलो करके ज़रूर बनाइए। इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं, बस 1-2 मिनट के लिए पका लें, काफ़ी है, उसके बाद फ्लेम बंद कर दें। ये हैदराबादी कोरमा बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। इसे आप पुलाव के साथ खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ, या रोटी के साथ, या प्लेन चावल के साथ भी खाइए, बहुत मज़ा आएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं हैदराबादी स्टाइल शाही कोफ्ते का कोरमा आपको कैसा लगा। लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।